इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़े दुख की खबर। टीम इंडिया को झटका लगा है, शिखर धवन वर्ल्ड कप से बाहर। शिखर धवन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक मारने वाले शिखर चोट की वजह से पिछले दोनों मैचों से बाहर थे, 4 सप्ताह का रेस्ट दिया गया था, लेकिन अब शिखर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब मैच खेलते वक्त एक तेज गेंद शिखर के अंगूठे में लगी थी, जहां पर हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया जा रहा था, और उसके बाद शिखर धवन को लेकर असमंजस हो गया था। ऋषभ पंत को फ्लाई कर दिया गया था और ऋषभ पंत वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब यह बात कंफर्म हो गई है कि शिखर धवन अब वापस आएंगे और ऋषभ पंत जो हैं वो मैच खेलेंगे। इस दरमियान हमने शिखर धवन के कई सारे इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे, काफी मेहनत कर रहे थे वो चोट के बावजूद भी, लेकिन विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ है। विक्रांत, पूरी खबर बताएं। शायद आपको याद होगा, दरअसल जिस दिन ये पहली खबर आई थी, मैं और आप ही ऑन एयर थे, और जब उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर के साथ साथ डिसलोकेशन की बात आई थी तो ये था कि 2 हफ्ते में शायद ठीक हो जाएगी। अब 2 हफ्ते जो है वो 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। 3 हफ्ते का मतलब है कि 3 हफ्ते में तो आपका प्लास्टर उतरेगा, फिर थोड़ी बहुत हीलिंग होगी, और जो टीम चाहती थी कि नॉकआउट्स और आखिरी 2-3 मैचों में वो फिट हो जाए, वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपका पूरी तरह हील हो भी जाता है 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद, उसके बाद आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी, और जब घाव थोड़ा सा टेंडर होता है तो दिक्कत है कि आपको अगर फिर फील्डिंग करते हुए गेंद लग जाए तो क्या हो। और टीम ने सोचा कि अब देखिए ज़्यादा अब आगे नहीं जा सकते, रिकवरी उनकी प्रोसेस की गई है, तकरीबन 10 दिन बाद उनको देखा गया दोबारा, और ये तय किया गया है कि ऋषभ पंत को टीम के साथ जोड़ दिया जाएगा। ऋषभ पंत हालांकि टीम के साथ हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इस वक्त मैं प्रैक्टिस में हूँ, साउथहैम्पटन में टीम की प्रैक्टिस हो रही है, तो अब ऋषभ पंत टीम में होंगे। उसके पीछे एक सोच ये भी है कि अगर सपोज कीजिए एंड में जाकर शिखर बाहर होते और तब आपको ऋषभ पंत की जरूरत पड़ती तो फिर एक यंगस्टर के लिए बड़ा अनफेयर होता बिना मैच खिलाए। तो ऋषभ पंत टीम के साथ होंगे, टीम को शायद इस बात की भी थोड़ी सी हल्की सी कॉन्सोलेशन है कि केएल राहुल ने जो पिछले मैच में ओपन किया तो उन्होंने रन बनाए, तो बड़ा झटका तो है ही। शिखर धवन बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनका रिकॉर्ड देखें, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, तजुर्बा सबसे बड़ी बात है, इन कंडीशन से रन भी बनाते हैं, लेकिन शायद अब कुछ किया नहीं जा सकता, अब ऋषभ पंत ही टीम के साथ रहेंगे। अब विक्रांत, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, क्या सीधे तौर पर यह समझा जाए कि अब शिखर धवन खैर वर्ल्ड कप से तो बाहर हो ही गए, लेकिन यह भी समझा जाए कि जो प्लेइंग 11 में उसमें ऋषभ पंत की एंट्री हो सकती है किसी मैच में? हो सकती है, नंबर 4 पर विजय शंकर को ट्राई किया गया और विजय शंकर ने पिछले मैच में 2 विकेटें भी ली हैं, तो मुझे लगता है एक ऑप्शन रहेगी टीम के पास। हो सकता है कि अगला मैच साउथहैम्पटन में है अफगानिस्तान के खिलाफ। अब देखिए ये भी आपको समझना होगा कि पिछले 10 दिन से इंग्लैंड में बड़ी बरसातें हुई हैं और ठंड है और सीमिंग कंडीशन हल्की हल्की आपको मिलती है, लेकिन अब मौसम खुलना शुरू होगा, मतलब मोमेंट मौसम खुलना शुरू होगा, निशांत हो सकता है कि विकेटें थोड़ी और अच्छी हों, और उस केस में आप ऋषभ पंत को एज बैट्समैन खिलाना चाहें। विजय शंकर ने पिछले मैच में गेंद किया था, अब ये एक एडवांटेज है, ये एक फर्क है कि विजय शंकर ऑलराउंडर या फिर ऋषभ पंत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, ये चॉइस रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सूनर देन लेटर आपको ऋषभ पंत 11 में खेलते दिखेंगे, क्योंकि बड़े मैच में आपको बैटिंग ऑर्डर को लंबा करना ही होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।